हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज देवनागरी पेन। एंड इस पेन में रिफिल कैसे रिप्लेस करते हैं, ओके। सो जैसे आप देख रहे हैं, इसमें एक रिफिल ऑलरेडी अटैच किया हुआ है कार्ट्रिज। सो इसको रिमूव करके हम नया वाला कार्ट्रिज जो है उसको अटैच करेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड है इंसर्ट करने में। सो आई होल्ड लाइक दिस एंड ऐसे नीचे रखते हुए डाउन साइड प्रेस करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉपरली फिक्स हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए आप एक स्केल लीजिए एंड चेक कीजिए यहाँ पे कि अगर 0 से लेके एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर तक ये कार्टेज बाहर है, मतलब ये प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। ओके, सो आपको ये ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर के आसपास इतना पार्ट बाहर होगा। अगर उससे ज़्यादा बाहर है 4 सेंटीमीटर से, तो समझ लीजिए कि ये प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ है। ओके, एक बार फिक्स होने के बाद भी इसको ऐसे राउंड घुमाइए। ओके, काफ़ी कार्ट्रिजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होगी, तो ये एक तरीका है कि आप उसको कैसे प्रॉपरली फिक्स कर सके। ये 4 सेंटीमीटर बाहर होना चाहिए। एंड अगर ये निब में से इंक नहीं आ रहा है, तो आप इसको इतना एरिया इंक बॉटल में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख सकते हैं एंड देन क्लीन द निब एंड राइट ऑन स्क्रिबल ऑन रफ पेपर। ये इतना इंक फ्लो होगा। ओके, अगर एक कॉर्नर पेपर पे टच है, दूसरा टच नहीं है, तो भी इंक फ्लो नहीं आएगा। देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों कॉर्नर पेपर पे रहेंगे तभी इसका इंक फ्लो आएगा, लाइक दिस। ओके, दूसरा तरीका ये है कि ये पेन को आप लिखने से 10 मिनट पहले इस डायरेक्शन में रखिए, कुछ भी सपोर्ट के साथ। ये पेन स्टैंड में अगर आप रख रहे हैं, तो नीचे कुछ टिश्यू पेपर रखिए एंड देन उसके ऊपर इससे इसको लगा दीजिए। इस तरह से आप रखने से फिर आप लिखेंगे तो इसका जो इंक है वो यहाँ तक जमा हो जाएगा, है ना, इसे अच्छे से इंक फ्लो मिलेगा आपको। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।